आज हम आपको एक ऐसे खौफनाक साजिश से रूबरू करवाएंगे जिसे देखकर आपके होश फाकता हो जाएंगे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में इस साजिश को अंजाम दिया गया। यहां एक कानून के छात्र को 6 फीट नीचे मारकर गाड़ दिया गया। आरोप पुराने मकान मालिक और उसके परिवार पर है। आरोपी परिवार फरार है और आरोपों के घेरे में खाकी भी है। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद के गिरधर एंक्लेव के इस घर में सुबह से ही पुलिस और लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। दरअसल पंकज सिंह नाम का छात्र जो कि बलिया का रहने वाला था, गाजियाबाद में कानून की पढ़ाई कर रहा था। पंकज इस घर में पिछले 15 दिनों से किराए पर रह रहा था। उसके बाद वो कहीं और रहने लगा था। पंकज यहीं पर एक कैफे भी चलाया करता था। पंकज दशहरे के दिन लापता हो गया था। पंकज की हत्या कर उसको 6 फीट नीचे इस घर के बेसमेंट में दबा दिया गया था। पंकज का शव उसी मकान के बेसमेंट में मिला जहां सिर्फ 15 दिन किराए पर रहा। इस हत्या के बाद आरोपी पूरा परिवार एक साथ फरार है। पंकज के करीबियों ने पुलिस पर संगीन आरोप लगाए कि पुलिस की लापरवाही से पंकज को तलाश करने में समय लगाया गया और पुलिस की लापरवाही के कारण ही आरोपी फरार हो गए। दरअसल करीबियों को बेसमेंट की हालत देखकर पहले से ही ये शक था कि कहीं पंकज को यहीं तो ही नहीं दफनाया गया। उन्होंने इसकी गुजारिश पुलिस से भी की लेकिन खाकी ने उनकी एक न सुनी। बाइट सोनू शर्मा, पंकज का रूममेट। वही पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और किसी पुलिसकर्मी की लापरवाही सामने आती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद के भोजपुर इलाके के जंगलों में कुछ दिन पहले अमित तिवारी नाम के एक युवक की जली हुई लाश मिली थी। पुलिस ने आखिरकार इस ब्लाइंड मर्डर की मिस्ट्री को सुलझा लिया है। पुलिस जांच के मुताबिक अमित तिवारी के दोस्तों ने ही उसका कत्ल किया था। इस मामले में 3 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। महज 200 रुपए के लिए कत्ल किया गया था। बताया जा रहा है कि अमित तिवारी और उसके दोस्त नशे के आदि थे और घटना के दिन भी सभी दोस्तों में नशे के पैसों को लेकर विवाद हो गया था। इस बात पर अमित तिवारी का गला घोट दिया गया और उसकी लाश को जला दिया गया था। मौके से आरोपी फरार हो गए थे लेकिन पुलिस ने सर्विलांस टीम के माध्यम से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वही घटना के बाद से यह साफ हो गया है कि नशा दोस्ती पर भी हावी होता है। नशे की वजह से दोस्त ही दोस्त के कातिल बन बैठे और अब सलाखों के पीछे जा रहे हैं। सर, एलएलबी का स्टूडेंट काफी दिनों से गायब था, उसकी गुमशुदगी भी लिखाई थी, साहिबा थाना क्षेत्र का मामला है। आज उसकी लाश जहां वो किराए करता था वहीं कब मिली है? क्या पूरा मामला तफ्तीश में निकल कर आया अब तक? ये दिनांक 12 तारीख को एक गुमशुदगी पंकज नाम के लड़के की, जिसकी उम्र करीब 28 साल थी, लिखी गई थी। और गुमशुदगी लिखने के पश्चात पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। कुछ शंका हो रही थी क्योंकि जिस मकान में वो रह रहा था वो उसके मकान मालिक भी गायब हो गए थे और उसमें कई लोग चूँकि और किराएदार रहते हैं। पुलिस को कहीं से भनक लगी और जांच पड़ताल के दौरान आज उसके बेसमेंट, उसी मकान के बेसमेंट से उस बच्चे का शव बरामद किया गया है। और ये भी संज्ञान में आया है कि उसने उसकी हत्या करने के पश्चात उसके शव को उसी मकान के बेसमेंट में दबा दिया था। उसको निकलवा लिया गया है, डेड बॉडी निकलवा ली गई है, पंचायतनामा कराया जा रहा है, वीडियोग्राफी के साथ उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। हम लोग उसकी पड़ताल कर रहे हैं और शीघ्र ही हम लोग मकान मालिक को, चूँकि मकान मालिक सा परिवार भाग गया है, उसको शीघ्र ही हम लोग गिरफ्तार करेंगे। पूरे घटना का हम लोग अनावरण करेंगे, मोटिव का अनावरण करेंगे। सर, सूत्रों की बात करें तो बताया ये भी जा रहा है कि जो हत्या की वजह रही वो मकान मालिक की लड़की का प्रेम प्रसंग का कुछ मामला सामने आ रहा है। ये अभी हम लोगों को, चूँकि उनके द्वारा जो ऐसी कोई सूचना हम लोगों के तथ्यात्मक नहीं है, अभी हम लोग जो भी संज्ञान में आएगा, घटना का जो भी कारण होगा, शीघ्र ही हम लोग पता लगाएंगे, तदनुसार कार्रवाई करेंगे। ऐसा अगर कोई बात आई है तो हम देख रहे हैं, जांच करा रहे हैं। अगर किसी पुलिसकर्मी का कोई दोष होगा तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, जो बेसमेंट के अंदर तकरीबन कितना गहरा गड्ढा किया गया था, क्योंकि जिस तरीके से बता रहे हैं 12 फीट के तकरीबन वो गड्ढा था, 6 फीट? हाँ, करीब 6 फीट के आसपास का गहरा गड्ढा था, जैसा कि उन्होंने बताया था। पूरा छुपाने का पूरा प्रयास किया था लेकिन ये हम लोगों की सूझबूझ रही कि हम लोगों ने उसको बरामद कर लिया है और शीघ्र ही हम लोग अभियुक्तों को गिरफ्तार करेंगे, कार्रवाई करेंगे। सर, क्या हादसा हुआ जिसके कारण आपको थाने आना पड़ा? एक्चुअली क्या है, मैं बलिया जिला का रहने वाला हूँ। मेरा लड़का IME कॉलेज में 4th ईयर का LLB का छात्र था। वो
एक्चुअली दशहरे के दिन से गायब हो गया, जिसकी सूचना उसके रूम पार्टनर जो है उसने मुझे फोन पर बताया कि अंकल पंकज भैया कमरे पर अभी तक नहीं आए हैं। उस समय रात को 11 बज रहा था। मैंने कहा कि शायद कहीं उधर उधर गया हो, आ जाएगा, कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोग एक दिन इंतजार किए। नेक्स्ट दिन जो है साहिबाबाद नियरेस्ट थाने की जो चौकी पड़ती है, नाम तो मैं क्या नाम है चौकी का, राजेंद्र नगर, जिसमें मेरा एक लड़का जो नरेला में रहता है तत्काल आकर के कि मेरा भाई जो है दो दिन से गुम है। तत्पश्चात थाने वालों ने FIR लिखा और मेरे लड़के का फोन नंबर कहा कि दे दीजिए, प्लस और कोई बात तो नहीं। मैंने कहा कुछ नहीं, लड़का तो भाई फोर्थ ईयर का छात्र था, सर्विस लाइन पर लगाए। मैं दो दिन बाद आया बलिया से चल करके, थाने में गया, SO से बात की। उन्होंने बताया कि ठीक है, आपका कार्य देखा जा रहा है। मुझे जहां लड़का रहता था वहां वो अपने पढ़ाई के लिए, क्योंकि मैं कहने में असमर्थ हूं, वो लड़का ट्यूशन करके वो अपना साइबर कैब खोल कर अपने पढ़ाई का खर्चा, प्लस वहाँ पे नियर अबाउट लगभग 20 बच्चों को ट्यूशनी भी पढ़ाता था, साथ में साइबर कैब पर काम भी करता था, 30,000 में प्रैक्टिस भी करता था। जब सर उस दिन क्या हुआ था, मैं थाने आकर अपना FIR के कहा कि कॉपी दे दीजिए, SO साहब ने कॉपी दिया। मुझे घटने के बारे में कुछ जानकारी हुई, जहां पर हम कुछ अपने उस कॉलोनी के सभ्रांत आदमियों को लेकर गया। मेरे बेटे ने बताया कि मैं एक मुन्ना नाम का जो आदमी है जिसकी 4 बच्चे ट्यूशन करते थे हमारे बच्चे के पास, कुछ दिन पहले मेरा बेटा एक पहले किसी दूसरे के मकान में रहता था और वहाँ पर मुन्ना नाम के जो आदमी है उसके 4 बच्चे हमारे बच्चे के पास ट्यूशन भी करते थे। साथ में वो जब स्कूल चले जाते थे और 4 बजे वगैरह जब स्कूल से आते थे तो हमारे साइबर कैब पर ही वो बैठते थे, जिसका सारा कारोबार भी वो देखते थे, संभालते थे। वो आदमी एक दिन मेरे बच्चे को जैसे भी करके कहा कि आप ये मकान छोड़ करके और आप हमारे मकान में शिफ्ट हो जाइए, हमारे बच्चे जो है ट्यूशन भी पढ़ेंगे और आपका जो है जो साइबर कैब की दुकान है तो पार्ट टाइम जो छुट्टी स्कूल से छुट्टी होती है आते हैं तो वो देखभाल भी करेंगे। इस बात को लड़के ने एक बार अपने भाई से भी जिरह किया, हमको भी बताया। मेरा जो छोटा बीच का जो लड़का है मनीष नाम का, वो बोला कि ऐसी ऐसी बात, हमने कहा ठीक है वो अपना वहाँ देख ले, क्योंकि लड़का जब वो लापता हुआ था। मेरी बातों को आप पूरी सुन लीजिए। अब उसके बाद वो मकान में रहने लगा। तत्पश्चात उसने मकान ये साइबर कैब के बारे में कुछ बातें सब करने लगे कि ये मुझे दे दीजिए। जिस पर मेरे बेटे ने फ़ोन किया कि पापा हरिओम और प्लस उसके पत्नी होकर कि लगता है इन लोगों का वो नहीं है, मैं क्वार्टर खाली कर रहा हूँ, ठीक है।
कमरे खाली करके किसी दूसरे के मकान में वो रहने चला गया। दो दिन पश्चात एक दिन उनकी पत्नी और पति दोनों आदमी आए, बोले कि पंकज तुमने तो हमारे यहाँ से कमरा खाली कर दिया, अब तुम मुझे साइबर कैब दे दे यार, ये तो मेरे बच्चे संभाल लेंगे, मेरे भी ये वो अपना कुछ करने लगा, बोलने लगा। बच्चा जो है आप चले जाते हो पढ़ने के लिए, आप 30,000 चले जाते हो, दशहरे के दिन पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, एक दिन मुझे बताया था कि पति पत्नी भी उसके बच्चे भी आए थे, मुझे लड़ा रहे थे, मुझे धमका रहे थे। मुझे यह बात जब उसने बताई थी तो मुझे ये डर हो गया था। जब वो दशहरे के बाद मेले के बाद नहीं मिला, मैंने अपने बच्चे से कहा कि जाओ देखो जरा उसके कमरे पर ही बात करो, बस इतनी सी कहानी है। उसके बाद कमरे पर जो हुआ है वो हुआ है। सर ये बताइए कि उसके बाद भी नहीं आई, फिर उसके बाद पूरे परिजन आसपास के सब लोग थाने आए। देखिए ऐसा है कि पुलिस को तो वाकई में बुलाई गई, पुलिस ने मुझे जो बताया कि भाई देखिए कोई भी FIR ऐसा जो है 48 घंटे बाद दर्ज हो, मैंने बड़ा प्रेस बनाया उन लोगों पर, तो फिर इन्होंने अपने काम में तेजी दिखाई। आपका पूरा आरोप क्या है कि आखिर आपके बच्चे के साथ क्या रहा होगा? आरोप मीन्स आपको क्या लगता है आपके बच्चे के साथ क्या हुआ होगा? नहीं वो तो आपको सामने दिखाई दे रहा है ना जो हुआ है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो आपको सामने दिखाई दे रहा है। उसकी डेथ बॉडी जो निकली है 12-6 फीट नीचे खुदाई हो करके आपने देख ली, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है कि नहीं है? नहीं पुलिस की लापरवाही तो कहीं ही जाएगी, लेकिन कुछ अभी ये है कि क्या सरकार को भी बोलें कि कह रहे कि ये बोलते हैं लोग कि 48 घंटे बाद हमें FIR दर्ज करेंगे, अब इसमें क्या है मैं बता नहीं सकता। अभी हम स्पॉट पे गए थे तो वहाँ के लोगों ने हमें बताया कि वो एक दिन पहले जिस दिन बॉडी बरामद हुई तो पूरे दिन 100 नंबर पर कॉल करती गई, पूरे दिन 100 नंबर नहीं आई। उसके बाद ये लोग सारे थाने आए उठकर, थाने के बाद वहाँ पे लोग गए, जिसके बाद उसके आरोपी जिन पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं वो भी फरार हो गए पुलिस के सामने ही सामने। पुलिस के सामने पुलिस ने नहीं ना, मुझे जो चौकी प्रभारी हैं उन्होंने मुझे बताया कि मैं उनको बोला था कि तुम आकर के चौकी पर मिल के जाना ऐसा कुछ, तो मेरी थोड़ी सी उनसे बात हुई होगी कि जब ऐसा लग रहा था कि नहीं वो उनका नाम जो है प्रोवाइड कर दिया कि नहीं आप उन्हें गिरफ्तार करें, जो भी हुआ हो मैं तो ये बात कह नहीं सकता, बट ये है कि उस दिन वो लोग फरार हो गए पुलिस के सामने। सर थाना मोदी नगर इलाके में एक अमित नाम का युवक जो कि 5 तारीख को गुमशुदा हुआ था उसकी बॉडी मिली है, क्या पूरा मामला था, कौन हत्यारे हैं? थाना मोदी नगर में 5-10 को एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, अमित तिवारी नाम का एक लड़का गायब हो गया था, उसकी डेड बॉडी 11 तारीख को भोजपुर थाना क्षेत्र के जंगलों में मिली थी, उसकी शिनाख्त की गई बॉडी की, उसके बाद जब विवेचना की गई तो विवेचना में 3 नाम प्रकाश में आए, इन तीनों से जब पूछताछ की गई तो तीनों ने स्वीकार किया कि ये लोग नशा करने के आदी थे चारों लोग, और नशे के दौरान विवाद हुआ, विवाद में इन्होंने तीनों ने अमित तिवारी की हत्या कर दी बेल्ट से गला घोंट कर। सर सुनने में आ रहा है कि मतलब कुछ मात्र पैसों की वजह से उसकी अमित की इन लोगों ने हत्या की थी, क्या पूरे पैसों का मामला था इसमें? ये नशे के एक्चुअली आदी है, ये परतापुर थाना क्षेत्र में गांव पड़ता है वहां से ये स्मैक लेकर आते थे, स्मैक का सेवन करते थे, स्मैक सेवन के दौरान विवाद हुआ कि अगली बार कौन स्मैक लेने जाएगा पैसे को लेकर, उसी विवाद में इन्होंने नशे की हालत में उसका गला घोंट के उसकी हत्या की। अमित वैसे क्या करता था, क्या उम्र रही? अमित कुछ कार्य नहीं करता था जी। सर थोड़ा सा बता दीजिए क्या हुआ था आज यहाँ? अभी आज पुलिस आई थी रात में, पुलिस की गाड़ी खड़ी रही है यहाँ पर पूरी रात, और उसकी और सुबह पुलिस के वो SHO मजिस्ट्रेट वगैरह जो आए हैं SP DM वगैरह सारी आए, उनकी निगरानी में पूरी रिकॉर्डिंग के साथ इसकी पूरी वीडियोग्राफी के साथ इसकी खुदाई हुई जी। खुदाई में वो लड़के की लाश मिली पंकज यादव की, पंकज की जो है उसमें उसकी लाश मिली और निकाली गई यहाँ से। कौन ये लड़का था, किस पहचान? ये IIM कॉलेज का ही स्टूडेंट है, फाइनल ईयर का LLB का, और ये गिरधर इंक्लेव में अपना एक साइबर कैफे चलाता है जी। तो काफी टाइम से मतलब रह रहा है, कभी साल भर हो गई इसको यहाँ पर रहते हुए जी। तो ये इस मकान में से 15 दिन के लिए किराए पर रहा था, 15 दिन में खाली कर दिया था इसने। क्या कारण था कुछ आप लोगों को? नहीं कारण इसने ये बोला था कि मकान मालिक ठीक नहीं है,
मैंने इससे पूछा था तो उसने बोला मकान मालिक ठीक नहीं है और इसके अलावा कुछ और बात नहीं बताई थी। मकान मालिक कहाँ है? तो मकान मालिक अपने फरार हो गए, अपने घर, ये बिहार का रहने वाला है, बेगूसराय के, वो पूरी फैमिली चली गई। अच्छा, आप लोगों को शक भी हुआ कॉलोनी वालों को, तभी आपने पुलिस? नहीं, शक नहीं हुआ था, शक हमारे को नहीं हुआ, शक तो लड़के के जो माँ बाप है उनको हुआ था, क्योंकि माँ बाप कुछ दिन पहले यहाँ आए थे, तो 15 दिन में जब रहा था तो उनको यहाँ पर रहा था, कोई यहाँ पे भी लड़का हमारा रहा था, तो एक बार यहाँ पे भी पता कर लें, तो हमने कॉलोनी के कैमरे चेक किए तो उसमें सस्पेक्ट में आया था ये कि भैया इधर की तरफ मूव किया है इस गली में, तो इस गली में इसका ये चीज़ है। इसके आधार पे ये हमने लोगों ने इंक्वायरी करी, तब पुलिस में FIR करी, तब ये इसमें खुदा खाता हुआ, तब ये। मेरा नाम सोनू शर्मा है। सोनू, क्या हुआ उस समय? सर, हम लोगों को कई दिन से पता लगा, लगभग दशहरे वाली रात से लड़का गायब है, तो कॉलोनी वालों ने सोचा कि शायद इधर उधर कहीं क्या होगा, घंटे दो घंटे में आ जाएगा, मगर वो जब नहीं आया तो उसके बाद में पुलिस में कंप्लेंट करानी चाहिए, मगर वो नहीं हो पाई। उसके बाद उनके घर वाले आए, जब उनका नंबर नहीं मिला, घर पे कांटेक्ट किया, तो आने के बाद में लड़के के पापा थे, उन्होंने कंप्लेंट करी, मगर वो कंप्लेंट नहीं हुई पुलिस में। उसके बाद में उन्होंने बोला, पुलिस वाले कोई नहीं आया वहाँ पे। आज क्या हुआ? आज सुबह सर रात को 11 बजे हम लोग गए थे वहाँ पे, हमें शक था कि बॉडी इसी के घर में है, क्योंकि बेसमेंट के अंदर 3 कमरे बने हुए हैं और तीनों का फर्श टूटा हुआ है, कच्चा है। वहाँ पे जाने के बाद हम लोगों ने उसमें लगभग 10 फुट का पाइप था, वो हमने ज़मीन में गड्ढे में डाला, तो उसमें से स्मेल आई निकल के। उसके बाद हमने फिर रात को पुलिस वालों को बोला, कब थाने में लेकर आए, पुलिस वालों को स्मेल सुनाई। उसके बाद में फिर वहाँ से पुलिस वाले फिर भी नहीं गए, फिर 100 नंबर पर कॉल की गई। 100 नंबर पर जाने के बाद सुबह वहाँ पर खुदवाया 8 बजे, तो वहाँ पर 9:30 बजे 10 बजे के करीब बॉडी मिली उसके अंदर, जो कि पूरी गल चुकी थी, पैर में रस्सी बांध के निकाली तो बॉडी के जो खाल थी वो भी ऊपर आ गई। पंकज क्या करता था और किस प्रकार का उसका व्यवहार था? पंकज जी का व्यवहार बहुत अच्छा था, ना ही कॉलोनी में कोई लड़ाई झगड़ा, बीड़ी सिगरेट गुटखा कोई ऐब नहीं था उनके। क्या अंदर करता था वो? उनका साइबर कैफे का काम था और IME कॉलेज से लास्ट ईयर उनकी फाइनल ईयर थी, LLB कर रहे थे। आखिरी सत्या के पीछे की वजह क्या रही? सर, उसमें यही था कि किसी को भी नहीं बताती, लास्ट टाइम उन्होंने वहाँ से कमरा खाली किया था और उनके 4 बच्चे पंकज के यहाँ साइबर कैफे में पढ़ते थे, बाकी वो उसने वहाँ से कमरा खाली अभी लगभग 15-20 दिन ही हुए हुए थे, जो कि उसने वहाँ से कमरा खाली किया है। तो सर मेन वजह यही थी, हत्या का शकुन जा रहा है, अगर पुलिस चाहती तो मकान मालिक को पकड़ सकती। गाजियाबाद में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने विदेश में नौकरी करने वाले उसके पति को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पति ने रॉड से पीट पीट कर महिला की कुछ दिन पहले ही हत्या कर दी थी। राजू नाम का ये युवक विदेश में रहा करता था और जब वह वापस लौटा तो उसे पता चल गया था कि उसकी पत्नी के कुछ लोगों से अवैध संबंध है, इसलिए इस पूरी वारदात को अंजाम दे डाला। गाजियाबाद के खोड़ा पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये राजू है। राजू दुबई में एक बड़े होटल में नौकरी करता है और साल में 2 बार घर आता है। इस बार जब वह घर आया तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी के संबंध, अवैध संबंध कुछ युवकों से चल रहे हैं। बस इसी बात पर आग बबूला हो गया राजू और उसने रॉड से पीट पीट कर अपनी पत्नी की हत्या कर डाली। इसके बाद वह दुबई भागने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। अवैध संबंधों की जानकारी मिलने के बाद राजू आग बबूला हो गया था। उसने लोक लाज के डर से पत्नी की हत्या कर डाली, लेकिन नतीजा उसे सलाखों के पीछे लेकर जरूर जाएगा। राजू ये नहीं जानता था। अरे भाई शिशुपाल, देखो कुछ को मिला है, कुछ को मिला ही नहीं। सबसे पहले बस हंसती हुई ना, सबसे पहले कुशीनगर जिले के पडरौना कोतवाली में 18 महीने से फरार बलात्कार के आरोपी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर कुशीनगर पुलिस ने 15,000 रुपए का इनाम भी रखा था। आरोपी ने अपने ही विद्यालय के एक नाबालिग छात्रा के साथ कुछ वर्ष पहले विद्यालय परिसर में ही बलात्कार किया था।
अभी ये घटना चल ही रही थी कि बलात्कारी शिक्षक ने फिर अपने ही गांव की एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का प्रयास किया, जिसमें पुलिस छानबीन चल रही थी और पीड़ित को न्याय नहीं मिलने पर आखिरकार पीड़िता ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अवगत कराया कि दिनांक 16 को आत्मदाह कर लेगी, जिस वजह से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आनन फानन में आरोपी को 18 महीने बाद गिरफ्तार कर पंजीकृत धाराओं में जेल भेज दिया गया। कोतवाली में लगभग 18 माह पहले एक बलात्कार का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें अभियुक्त फरार चल रहा था और फिर उसमें 82-83 सीआरपीसी की कार्रवाई कोर्ट करके चार्जशीट लगाई गई। फिर न्यायालय ने वारंट जारी किए, कई बार वारंट जारी हुआ लेकिन फिर भी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी, फिर इसके ऊपर पुरस्कार घोषित किया गया था और पुलिस कोतवाली पुलिस ने इसको अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त की है और उसे कोर्ट के समक्ष पेश किया जा रहा है। हाँ, ये संज्ञान में आया है कि इसके पहले भी इसके विरुद्ध छेड़खानी का अपराध पंजीकृत किया गया है और वो स्कूल में ही मुकदमा पंजीकृत हुआ था, उसमें भी पुलिस ने चार्जशीट लगाई है और हालांकि पूछताछ पर वो कह रहा है कि राजनीतिक मुकदमे हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस ने विवेचना में पाया है कि उसके द्वारा अपराध किया गया है। आगे भी इसके स्तर में कोई छानबीन होगी, इनके ऊपर कुछ भी इनके विरुद्ध जो भी महिलाओं के संबंध में अपराध करने वालों पर कार्रवाई होती है, वो सभी तरह की कार्रवाइयाँ करने पर विचार कर रहे हैं। दीपावली पर धनलक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मिट्टी के दीपक बनाने वाले कुम्हारों के चाक ने गति पकड़ ली है। भारत देश में कोई भी त्योहार बिना चाक पर तैयार किए गए बर्तन में नहीं मनाया जाता। कुम्हारों के हाथ जब चाक पर थिरकने लगते हैं तो मिट्टी कई आकर्षक आकारों में दीपक, गणेश प्रतिमा, लक्ष्मी प्रतिमा से लेकर करवे और कई बेहतरीन सामान स्वरूप में आ जाती है। कुम्हारों के पसीनों से आकर ले रहे दीपक दीपावली पर कई घरों को रोशन करने के लिए अभी से ही गांव के हर कोनों में बिकने शुरू हो चुके हैं। इन दिनों विभिन्न साइज के दीपक गढ़ने में कुम्हार जुटे हुए हैं। कुम्हारों का कहना है कि बदलते परिवेश में मिट्टी के दीपों का स्थान इलेक्ट्रॉनिक झालरों ने भले ही ले लिया हो, लेकिन इसके बावजूद मिट्टी के दीपक का अपना अलग ही महत्व है। चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक झालरों के बढ़ते दौर में भी त्योहारों पर मिट्टी से बने दीपक और अन्य चीजों का क्रेज बना हुआ है। मिट्टी के दीपक को बनाने से लेकर पकाने में आने वाला खर्च अब बढ़ गया है, जिससे उन्हें मेहनत के हिसाब से अधिक लाभ नहीं हो पा रहा। करीब 10,000 रुपए में आने वाले चाक का पहिया पत्थर के कारीगरों की ओर से तैयार किया जाता है। इस पर सारे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। देवरिया जनपद के थाना एकोना अंतर्गत ग्राम माझा नारायण में रावण दहन का मेला लगाया गया था। काफी संख्या में दूर दराज से आए महिला पुरुष मेले का आनंद उठा रहे थे कि ग्राम निबा निवासी छुट्टी पर आया सैनिक अपने एक साथी के साथ नशे की हालत में मेले में जाकर हंगामा करने लगा, जिसे मेले में अफरा तफरी मच गई। मेले में ड्यूटी पर तैनात एक महिला पुलिसकर्मी ने सैनिक को रोकने का प्रयास किया, पर सैनिक महिला पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता पर उतारू हो गया। सूचना पर एकोना थानाध्यक्ष मैफोर्स पहुंचकर हंगामा कर रहे युवकों को पकड़ लिया गया और एकोना के पुलिस द्वारा हंगामा कर रहे सैनिक के प्रति दरियादिली दिखाते हुए शांति भंग में चालान कर दिया गया, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।